continue. Welcome to Nuts and Body News. और मैं हूँ आपकी प्यारी न्यूज़ रीडर ट्विंकल। आज मैं आपको पराठे जैसी स्ट्रॉन्ग और फ्रूट जैसी जूसी खबरें सुनाने वाली हूँ। और आज की सबसे पहली खबर है एनिमल किंगडम से। अभी अभी सुंदरवन से खबर आई है कि लायन किंग सिम्बा को चिंटू चूहे पे बहुत गुस्सा आया है और वो उसे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। लायन किंग को गुस्सा क्यों आया है, पूछते हैं रिपोर्टर रूबी से। हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर रूबी और मुझ में है कई सारी खूबी। हेलो रिपोर्टर रूबी, हमें बताओ लायन किंग चिंटू चूहे पर इतना गुस्सा क्यों है, क्या किया चिंटू चूहे ने? ट्विंकल, मैं अभी यहाँ जंगल में आई हूँ और मुझे पता चला है कि लायन किंग सिम्बा पेंटर पांडा के पास अपनी पोर्ट्रेट पेंट करवा रहा था, लेकिन वो पोर्ट्रेट चिंटू चूहा कुतर के भाग गया है। इसीलिए लायन किंग सिम्बा बहुत गुस्से में है और वो चिंटू चूहे को ढूंढ रहे हैं और चूहे को पकड़ कर लाने वाले के लिए 2 किलो चॉकलेट चिप्स का इनाम भी रखा है। जिस दिन चिंटू चूहा लायन किंग के हाथ में आएगा, पता नहीं उसका क्या होगा। अब बात है न्यूज़ फ्रॉम अल्फाबेट की दुनिया से। हमें पता चला है कि अल्फाबेट एफ कुछ दिनों से सैड है और वो इसलिए क्योंकि कोई उसके साथ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है, चलो पूछते हैं एंजल हार्ट स्कूल की पिंकी टीचर से। पिंकी पिंकी। हेलो बच्चों, मैं हूँ टीचर पिंकी और मेरा फेवरेट कलर है पिंक। मैं हमेशा पिंकी पिंकी बातें करती रहती हूँ, यानी सच्ची और अच्छी बातें। तो टीचर पिंकी, बताइए कोई एफ से दोस्ती करना क्यों नहीं चाहता? ओह, एक्चुअली अल्फाबेट एफ है ना, एफ क्लास में फार्ट करता है, गैस छोड़ता है। ओह यस, इसीलिए मैंने एफ को समझाया कि जंक फूड मत खाओ, घर का खाना खाओ, रात को जल्दी सो जाओ, थोड़ा कसरत करो, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी पोटी आए तो सीधा भागो, टीवी देखते मत बैठो वरना गैस हो सकती है। फिर क्या, एफ ने मेरी बात मान ली और अब वो क्लास में फार्ट नहीं करता और सारे अल्फाबेट उसके फिर से फ्रेंड्स हो गए। ओके बाय बाय। तो सुना आपने, हमें वक्त पर खाना खाना चाहिए, वक्त पर सोना चाहिए और वक्त पर पोटी भी जाना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Have a good day. Hello friends, अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, चिंटू चूहे को लायन किंग ने पकड़ लिया है। आगे क्या हुआ हमें बताएंगी रिपोर्टर रूबी। हेलो रिपोर्टर रूबी, हाँ आगे चिंटू चूहे का क्या हुआ? ट्विंकल, मैं अभी जंगल में हूँ और लायन किंग सिम्बा ने चिंटू चूहे को पकड़ लिया है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी चिंटू चूहे ने कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं आगे जाके तुम्हारे काम आऊंगा। क्या चूहा लायन की मदद करेगा? चूहा लायन की क्या मदद कर सकता है? हाँ वही तो, ये सुनकर लायन किंग सिम्बा और सुंदरवन के सब जानवर हंसने लगे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, लायन किंग ने चूहे को जाने दिया। अब देखते हैं चूहा क्या काम आता है। अब सुनते हैं न्यू फ्रॉम राइम वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन रेन गो अवे राइम सुनकर बरसात ने धरती पर आना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, किसी ने बरसात को समझाया कि नहीं, बरसात धरती पर वापस आएगी कि नहीं, पूछते हैं अंकल बनाना से। हेलो बच्चों, बरसात की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी लेकिन उसको समझा लिया गया है। अरे वाह, बरसात को मना लिया, कैसे अंकल बनाना, ये चमत्कार कैसे हुआ? राइम से। बरसात को रेन रेन गो अवे ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ था, तो बच्चों ने उसे समझाने के लिए हिंदी में गाया, फिर मराठी में गाया। इरे इरे पावसा, तू ना दे तो पैसा, पैसा जाला खोटा, पावसाला मोठा। गुजराती में गाया। आव रे वर्षत थे बरियो प्रसत, अने उन्नी उन्नी रोटली, अने कारी रानू शक, खाओ ये तो खा, ये तो तेल वड़ा। फिर तो बच्चों ने तेलुगु, तमिल, उर्दू, पंजाबी सभी भाषा में गाया और बरसात को बुलाया। बरसात का दिल भी पिघल गया और वो बरस पड़ा।
इस प्रकार हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे वाह, अब तो हम भी गाएंगे। बरसो रे मेगा मेगा बरसो रे मेगा मेगा बरसो। थैंक गॉड बरसात हुई, तभी तो ये पानी पीने को मिला। अब सुनिए न्यूज़ फ्रॉम नेबरहुड, यानी कि आपकी आसपास की खबरें। हमें अभी अभी पता चला है कि मोंटू रास्ते से जा रहा था, तभी एक कौवे ने उसके सिर में चोंच मारी। ऐसा क्यों हुआ, पता लगाते हैं रिपोर्टर रूबी के साथ। मोंटू की मम्मी, हमने सुना है कि कौवे ने आपके बेटे के सर पर चोंच मारी। मोंटू, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे दर्द ही हो रहा होगा ना, चोंच मारी है, थोड़ी गुदगुदी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कौवे ने मोंटू के सर पर चोंच क्यों मारी? क्या उसे मोंटू के सर में कोई खाने की आइटम दिख गई थी? एक मिनट, ये काठिया, ये चिप्स, ये सब क्या है मोंटू? अरे ये मोंटू का सर है कि फरसान की दुकान? हाँ, लेकिन ये सब उसके सर में आया कैसे? मैं बताती हूँ, मोंटू खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोता होगा और फिर वही हाथ बाल पे घुमाता होगा, इसी वजह से सब खाना उसके बाल पे चिपक जाता है और फिर कौवे ने आके चोंच मारी। मैंने कितनी बार बोला है खाना खाने के बाद हाथ धो लिया कर, अभी तुम नहीं धोगा ना तो मैं तुझे धो दूंगी। सॉरी मम्मी। हाँ अभी दूध पी ले रामे बाज। देखा आपने, तो हमें हमेशा खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। तो ये थी न्यूज़ फ्रॉम नेबरहुड। अब सुनिए सवालों के मास्टर ब्लास्टर चिंटू के मस्ती भरे सवाल और अंकल बनाना के हंसी भरे जवाब। सुनिए साइंस की फनी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकल बनाना और मैं हूँ सवालों का मास्टर ब्लास्टर चिंटू। क्वेश्चन मार्क। तो मिस्टर चिंटू, आज तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल है? अंकल बनाना, मुझे बताइए, स्टार्स और मून हमें रात में दिखते हैं, पर हमें दिन में क्यों नहीं दिखते? चिंटू, ये मून स्टार्स तुम दिन में भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम वो दोनों खाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे नहीं देखने दिन में मून एंड स्टार्स। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली क्या है, मून और स्टार्स दिन में भी होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी मून और स्टार्स से इतनी ज्यादा होती है कि वो दिखाई नहीं देती। अभी जैसे टॉर्च की लाइट हम रात में देख सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है इसलिए वो दिन में नहीं दिखता है। और मून की तो अपनी खुद की लाइट ही नहीं होती, मून हमें दिखता है कब, जब सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती है तब हमें दिखता है। समझ आया? थोड़ा। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट नहीं, बनाना। बनाना खाओ, हेल्दी बन जाओ। सही कहा, बनाना खाओ और हेल्दी बन जाओ। तो ये थी आज की नटखट नोटी न्यूज। कल फिर मिलेंगे और कई सारी चटपटी और मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।